दो दिन तांडव मचाने के बाद चक्रवाती तूफान ताऊते अब कमजोर पड़ने लगा है। बीती रात गुजरात से 60 किलोमीटर पहले दीप में लैंडफॉल हुआ। तट से टकराने के बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। गुजरात में बचाव के लिए सेना की 180 टीमें तैनात की गई हैं। वहीं अब तक 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। तूफान के मद्देनजर NDRF की भी 44 टीमें मुस्तैद हैं। मुंबई में 6 की मौत। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान ने मुंबई में तांडव दिखाया है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। वहीं पेड़ और पोल गिरने से भारी तबाही हुई है। महाराष्ट्र में अधिकारियों ने कहा कि महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में भीषण चक्रवाती तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई है और 2 नौकाओं के समुद्र में डूब जाने से 3 नाविक लापता हैं। 3 लोगों की मौत रायगढ़ जिले में हुई, 1 नाविक की मौत सिंधुदुर्ग जिले में और ठाणे जिले के नवी मुंबई और उल्साहनगर में 2 लोगों की मौत उन पर पेड़ गिरने से हुई है। अधिकारियों के बयान में कहा गया है कि सिंधुदुर्ग जिले के आनंदवाड़ी बंदरगाह में लंगर डाले 2 नौकाएं डूब गई, जिन पर 7 नाविक सवार थे। जब चक्रवात महाराष्ट्र तट से आगे बढ़ा और सुबह मुंबई के करीब पहुंचा, तो यहां स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक परिचालन स्थगित करने की घोषणा की और बाद में रात 8 बजे तक सभी परिचालन स्थगित रखने का फैसला किया गया। पिछले 23 साल में टकराने वाला सबसे विनाशकारी चक्रवात। अधिकारियों के मुताबिक गुजरात में निचले तटीय इलाकों से 2 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि SDRF की 54 टीमें तैनात की गई हैं। चक्रवात ताऊते गुजरात में पिछले 23 साल में टकराने वाला सबसे विनाशकारी चक्रवात है। चक्रवात ताऊते गुजरात तट की ओर बढ़ने के मद्देनजर पोरबंदर सिविल अस्पताल के ऐसे कम से कम 17 कोविड-19 रोगियों को सोमवार को एहतियात के तौर पर अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया गया, जो वहां ICU में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। गुजरात सरकार ने कहा है कि केंद्र ने चक्रवात से निपटने के लिए गुजरात को हर संभव मदद की पेशकश की और सेना, नौसेना और वायुसेना को जरूरत पड़ने पर प्रशासन की सहायता के लिए तैयार रहने को कहा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने तटीय जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राज्य सरकार के संपर्क में हैं और उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। 1998 को गुजरात में मरे थे 1173 लोग। 9 जून 1998 को गुजरात में आए एक बड़े चक्रवात से व्यापक क्षति हुई थी और बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुई थी, विशेष रूप से कांडला के बंदरगाह शहर में। वही आधिकारिक आंकड़ों ने तब मरने वालों की संख्या 1173 बताई थी, जबकि 1774 लोग लापता थे। एक प्रमुख समाचार पत्रिका ने तब दावा किया था कि इसमें कम से कम 4000 लोग मरे हैं और अनगिनत लापता हो गए थे, क्योंकि शव समुद्र में बह गए थे। कर्नाटक में 8 लोगों की मौत। उधर कर्नाटक में चक्रवात ताऊते की वजह से प्रभावित तटीय और मलनाड जिले में 8 लोगों की मौत हो गई है। कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों की ओर से स्थिति को लेकर जारी रिपोर्ट में बताया गया कि कल सुबह तक 121 गांव और तालुका चक्रवात से प्रभावित है। बयान में बताया गया है कि 547 लोगों को अब तक उनके संबंधित स्थानों से निकाला गया और चक्रवात से लोगों को बचाने के लिए यहां खोले गए 13 राहत शिविरों में 290 लोगों ने शरण ली है।